लाइटें जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं यकीन तो ये देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज विलास फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और यार मेरा दिन आज बड़ा अजीब सा जा रहा है। मैंने गैलेक्सी नोट 10 प्लस की अनबॉक्सिंग को रिकॉर्ड किया, उसका ये सारा जो इंट्रो है ये रिकॉर्ड किया, और बाद में मुझे पता लगा कि भाई साहब जो मेरा माइक है इसकी बैटरी खत्म थी और आवाज़ थी ही नहीं। तो फिर पहले मैंने सोचा वैसे ही वीडियो लगा देता हूँ शुगली सही, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, नोट 10 प्लस बड़ी डिवाइस है तो प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है स्पॉन्सर की है यूट्यूब मोबाइल फोन्स वालों ने, जिनकी कचहरी बाजार में शॉप है, और इससे पहले भी हमारे काफ़ी वीडियोज़ और प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने फैसलाबाद में कोई सेलफोन लेना है तो आप उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं, मैं नंबर भी यहाँ पर डाल दूंगा। इसके अलावा मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लें, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के बहुत से राज हैं जो इंस्टाग्राम पे मैं बताता हूँ, तो फॉलो कर लो। उसके अलावा भी कुछ था मैंने सोचा हुआ था बताना है यार। हाँ, नोट 10 प्लस की जो प्राइस है वो 2,05,000 है पाकिस्तान के अंदर, जिसको आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। और नोट 10 जो है वो 1,80,000 है, जिसको हम पहले अनबॉक्स कर चुके हैं। तो नोट 10 प्लस जो है ये 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज के साथ आ रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। ओके जी, तो अगर आप नोट 10 प्लस के बॉक्स की बात करते हैं तो देखने में ये नोट 10 प्लस का बॉक्स काफ़ी हद तक सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के बॉक्स की तरह है। सामने की तरफ नोट 10 प्लस लिखा हुआ है, नीचे आपको कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशंस तो नहीं मिलती, लेकिन रैम 12 GB है और रोम 256 GB है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि नोट 10 के अंदर आपको रैम कम मिल रही थी। उसके अलावा बैक पर कुछ और डिटेल्स हैं, जिसमें आपका क्वाड HD+ डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका साइज़ यहाँ पर बढ़ा करके 6.7 इंचेस कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो भी अब क्वाड कैमरा सेटअप है, जबकि नोट 10 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा मिला था। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा कैमरा है जो कि डेप्थ विजन कैमरा के नाम से है, और बेसिकली ये एक 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है, जो कि इससे पहले हम ओप्पो के फोन्स के ऊपर भी देख चुके हैं, और सैमसंग के अंदर भी जो हमने कुछ डिवाइसेस चेकआउट की थी जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A80, उसके ऊपर हम देख चुके हैं। उसके अलावा सुपर फास्ट चार्जिंग है। अब यहाँ पर मेरे पास मिस्टर छुरा अवेलेबल हैं और मैंने इन्हें काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया, उसके पीछे दो बड़ी रीजंस हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यार ये ऑफिस में पड़ा होता है एंड इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि लोग छेड़ते रहते हैं ऑफिस में से। और दूसरी बड़ी रीज़न ये थी कि ये एक फ़ैन मिल में आया था, तो पहले ही मैंने इसको 2-3 वीडियोस में यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं नहीं चाहता था कि ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। बॉक्स का रैपर यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। बाय द वे यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर वाइट कलर का स्टाइलस नज़र आ रहा होगा, उसकी रीज़न ये है कि इस सेल फोन के अंदर जो आपको कलर मिल रहा है वो वाइट कलर है। और बॉक्स के अंदर आपको अंदर वाली साइड पर एक बुकलेट देखने को मिल जाती है, और ये जो बुकलेट है इसके अंदर आपको कुछ पेपर वर्क वगैरह मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से आपका जो सिलिकन केस है वो भी यहीं पर मौजूद होगा। देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अंदर आपको कुछ पेपर वर्क मिल रहा है, वारंटी कार्ड है। उसके अलावा ये सिलिकन केस अगर आप देखते हैं तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो कैमरा कटआउट है वो बड़ा है नोट 10 के लिए। इस पर नोट 10 का कैमरा कटआउट रेक्टेंगल शेप में था, ये मोर स्क्वायर शेप में है। सिम इजेक्शन के लिए पेन आपको मिलती है, और उसके अलावा वारंटी कार्ड है और कुछ बेसिक गाइड्स हैं सैमसंग की तरफ से। फ़ोन जो है वो अगली चीज़ है जो कि आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वाइट कलर में है, तो मैं फ़ोन को टर्न ऑन कर लेता हूँ। जितनी देर में ये टर्न ऑन होगा हम उतनी देर में बाकी चीज़ों के ऊपर नज़र डाल लेंगे कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये फ्लैप जो है इसको रिमूव करते साथ ही आपको जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो आपकी पावर ब्रेक है, और ये एक फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड पावर ब्रेक है। यहाँ पर आपको 25 वॉट का जो करंट है वो ये पावर ब्रेक प्रोवाइड कर देगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फ़ोन 45 वॉट की जो चार्जिंग है वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सेपरेट पावर ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं तो नोट 10 और नोट 10 प्लस दोनों के अंदर ही सेम चार्जर आते हैं, लेकिन नोट 10 प्लस जो है वो इससे हैवी चार्जर भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसे आपको सेपरेट ख़रीदना पड़ेगा। एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको ये ट्वीज़र मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने एस पेन की जो टिप्स हैं उनको चेंज कर सकेंगे। कुछ टाइम यूज़ करने के बाद वो हल्का सा घिस जाती हैं, या अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा आपको एक टाइप सी केबल मिल जाती है जो कि अगेन वाइट कलर के अंदर है, और ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है और सैमसंग ने जो फास्ट चार्जिंग दी है लेटेस्ट उसमें टाइप सी ही आई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ईयरफोन्स मिल रहे हैं वो भी टाइप सी वाले हैं, AKG के ईयरफोन्स हैं। देखने में काफ़ी हद तक वही हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब इनमें टाइप सी दे दी गई है क्योंकि नोट 10 के अंदर आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। अब फोन यहाँ पर टर्न ऑन हो गया है तो इसको सेटअप भी कर लेते हैं और देखते हैं कि इस फोन का सेटअप प्रोसेस कैसा है। मैं यहाँ पर सब चीजें जो है वो स्किप करने वाला हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो किसी हद तक बचाया जा सके।
ओके, तो फ़ोन को मैंने यहाँ पर फाइनली सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बायोमेट्रिक्स को ऑन नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं भूल गया था। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ा है। सेटिंग में जाते हैं और बायोमेट्रिक्स को ऑन कर लेते हैं। और इस दफ़ा मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को टेस्ट करना है क्योंकि लास्ट टाइम फेस आईडी को टेस्ट कर दिया था मैंने नोट 10 में और मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को टेस्ट करना भूल गया था। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको डिस्प्ले के नीचे देखने को मिलता है और एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका हाथ थोड़ा स्वेटी है या आपके हाथ पर थोड़ा डस्ट वगैरह है तो ये अच्छी तरह से काम करते हैं और वर्क करते हैं, रिलायबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है कि इनकी अगर आप स्पीड को कंपेयर करते हैं ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के साथ तो ये साइड पर भी नहीं लगते। अगर आप बात करते हैं हवावे की या वीवो की तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर्स जो यूज़ किए गए हैं वो नॉर्मल ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं जिनको फूल करना भी आसान है लेकिन उनकी स्पीड तेज़ है। जबकि सैमसंग वाली साइट पर आपको ज़रा सिक्योर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है लेकिन यहाँ पर जो बुरी चीज़ है वो ये है कि इसकी स्पीड थोड़ी कम है। ये काफ़ी सटल डिफरेंस है लेकिन अगर आप पहले यूज़ कर चुके हैं ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर तो आपको काफ़ी ज़्यादा फील होती है। इसके जो बटन लेआउट है उसको भी चेंज किया गया है, मैंने नोट 10 की वीडियो में भी पॉइंट आउट किया था। उसके अलावा एक और चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर वाली साइड पर फ्रंट कैमरा है वो देखने में शायद आपको साइज़ में छोटा लग रहा हो लेकिन असल में उसकी रीज़न ये है कि जो स्क्रीन साइज़ है वो बड़ा है और उसकी वजह से जो कैमरा का साइज़ है वो नोट 10 की निस्बत ज़रा कम फील होता है क्योंकि जो स्क्रीन है वो यहाँ पर आपको 1440p की 6.7 इंचेस की ओलेड स्क्रीन देखने को मिलती है और डायनामिक ओलेड है। बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। यहाँ पर जो तीन कैमराज हैं इनमें 2 12 मेगापिक्सल के कैमराज हैं, वाइड एंगल और टेलीफोटो, और उसके बाद जो अल्ट्रा वाइड है वो 16 मेगापिक्सल का है। साइड पर आपको तो ये छोटा सा जो सेंसर मिलता है ये 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है और ये वीडियोज़ और पिक्चर के अंदर डेप्थ इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अलावा कुछ AR की एप्लीकेशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अभी भी के लिए मैंने इसको मुकम्मल तौर पर टेस्ट तो नहीं किया तो मैं इसके लिए वाउच तो नहीं करूंगा लेकिन फोन का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा स्लीक हो गया है पहले के निस्बत। नीचे वाली साइड पर आपको USB Type-C की पोर्ट मिल रही है और उसके साथ मिल रहा है एक S पेन। अब ये जो S पेन है इसका साइज़ एग्जैक्टली वही है जो कि आपको नोट 10 पे मिल रहा था, तो S पेन के साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बड़ा फ़ोन लेते हैं या छोटा लेते हैं जो S पेन है वो एग्जैक्टली सेम है। हेडफोन जैक जो है वो इस फ़ोन से निकाल दिया गया है और ऊपर वाली साइड पर आपको ये जो माइक्रोफोन नज़र आ रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक नए फीचर को अनेबल करता है जिसका नाम ऑडियो जूम रखा गया है, जिसके अंदर कुछ इस तरह होता है कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं किसी बंदे की तो आप उसकी जो वीडियो है उसके अंदर ऑडियो पर भी जूम कर सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मली वीडियो में करते हैं। अच्छा फीचर है, मैं रिव्यू में बता दूंगा। यहाँ पर जो आपको सिम स्लॉट मिलती है ये एक ड्यूल सिम स्लॉट है जिसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी मिल जाती है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर किसी फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं होता तो मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम कब मेमोरी कार्ड को यूज़ किया था अपने सेलफोन में। स्पेशली अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली उनकी जो एवरेज भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 128GB होती है और मेरा नहीं ख्याल किसी भी बंदे से 128GB कंप्लीट हो, लेकिन स्टिल अगर आपको एक SD कार्ड की स्लॉट चाहिए तो नोट 10 प्लस जो है वो ऑफर कर रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उसकी स्पीड आपने यहाँ पर किसी हद तक देख ही ली होगी। यहाँ पर जो कैमराज हैं बैक पर ट्रिपल कैमराज लगाए गए हैं। पहला कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और ये जो कैमरा है ये आपको काफ़ी वाइड एंगल इमेजेस और वीडियोस प्रोवाइड करेगा। सेकंड आपका नॉर्मल वाइड है और थर्ड कैमरा आपका टेलीफोटो लेंस है जो कि आपको जूम इन इमेजेस प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर जो टेलीफोटो ऑप्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आजकल ओप्पो और हवावे दे रहे हैं, दोनों ही 10x दे रहे हैं। फ्रंट कैमरा जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इमेजेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर कोई ब्यूटी मोड ऑन है आई गेस, मैं कोशिश करता हूँ कि बंद कर लूँ। ओके, सैमसंग इंटरफेस को यूज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे ब्यूटी मोड नहीं मिल रहा था लेकिन फाइनली मैंने इसको ऑफ़ कर लिया है और ब्यूटी मोड ऑफ़ करते साथ ही आपको जो इमेज है उसमें ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है। अब ब्यूटी मोड के अंदर आई बिलीव के ओप्पो इज़ द मार्केट लीडर राइट नाउ और बाकी जो कंपनीज हैं उनके ब्यूटी मोड्स मुझे पसंद नहीं आते। ओप्पो का भी नहीं इतना ख़ास लेकिन अगर आपने यूज़ करना है तो आई गेस ओप्पो का ब्यूटी मोड सबसे बेटर है। फ़ोन की अगर आप बात करते हैं यूजेज की तो ये सिंगल हैंडेड डिवाइस नहीं है, ये एक बड़ी स्क्रीन साइज़ के साथ आता है और सैमसंग ने इसको बनाया भी ड्यूल हैंडेड यूज़ के लिए है। आप एक हाथ से फ़ोन पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से आप एस पेन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप इसको एज अ नॉर्मल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। जो नोट 10 था जिसको मैं पहले यहाँ पर अनबॉक्स कर चुका हूँ वो डेफिनेटली एक सिंगल हैंडेड डिवाइस है और उसको आप एक हाथ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंटरफेस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सैमसंग का लेटेस्ट UI देखने को मिल रहा है जो कि सिंगल हैंड यूज़ के लिए बनाया तो गया है लेकिन आई गेस फ़ोन का साइज़ इतना बड़ा है कि वो सिंगल हैंड में यूज़ नहीं हो सकता और यहाँ पर एंड्रॉयड का भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया गया है
तो ओवरऑल जो फ़ोन है वो देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब मैं इस मोबाइल फ़ोन का जो मुकम्मल रिव्यू है वो जल्दी इस चैनल पर ले आऊँगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो में क्या अच्छा लगा है क्या बुरा लगा है, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए, और इंस्टाग्राम पर भी मैं खप डाल देता हूँ कि वीडियो आ गई है तो वहाँ से भी आपको पता लग जाए। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को मैंने 3 दफ़ा मेरे ख्याल से टोटल रिकॉर्ड किया है तब जाके ये बनी है, तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।